दूसरा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे नारियल है, नारियल देखे हैं आप लोग, नारियल का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, नारियल का सबसे ऊपरी भाग बहुत ठोस होता है, उसमें खोइया रहता है, खोइया को जैसे हम छीलते हैं तो अंदर एक मुलायम वाला भाग आता है जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुद्दा बोलते हैं, जो कि खाया जाता है। अब गुद्दा के अंदर भी जाइएगा तो उसमें पानी रहता है भरा हुआ, क्या रहता है भरा हुआ, पानी रहता है। तो नारियल में भी तीन भाग हम लोग देख लिए, सबसे ऊपर ठोस भाग है जो कि खोइया है उसको हटा सकते हैं, फिर उसके अंदर गुद्दा है जिसको हम लोग खा सकते हैं, उसके अंदर भी पानी रहता है जिसको पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति लागू नहीं करना है, बस ये समझना है कि जैसे नारियल में तीन भाग होता है, ठीक धरती में भी वैसे ही है, सब तीन भाग में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं या भूपटल बोलते हैं, और उसी को हम लोग सियाल बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलेंगे या उसी को हम लोग सीमा बोलेंगे, और उसके भी अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं या फिर नीफे बोलेंगे, निकेल प्लस फेरस ये आयरन रहता है उसमें ज़्यादा। और कोर वाला जो भाग होता है मोल्टेन फॉर्म में होता है, कोर कौन से फॉर्म में होता है, कोर कोर मोल्टेन फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में माना वो पिघला हुआ रूप होता है, पिघला हुआ, वहाँ पर इतना ना ज़्यादा गर्मी है कि आयरन है यह भी पिघले हुए रूप में मिलेगा। सोच लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर, ज़्यादा टेम्परेचर भी है, ज़्यादा प्रेशर भी है। तो ये हो गया अर्थ का क्लासिफिकेशन, धरती का क्लासिफिकेशन, और इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ये सिक्स क्लास का पहला चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, और ये जब आप लोग तैयारी करते हो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, नीफे में क्या क्या होता है, तो क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ये देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर प्रश्न बोलते हैं उसका आंसर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है नीफे में क्या क्या होता है, तो नीफे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि नीफे में होता क्या क्या है, तो नीफे में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर निकेल होता है, क्या होता है, एक तो निकेल होता है और दूसरा क्या होता है, आयरन की अधिकता होती है, क्या होता है, निकेल और आयरन, निकेल और लोहा होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सोना, तो ऑप्शन ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है भूपर्पटी में ऊपरी